आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के कोल्हापुर गांव में बाढ़ से किसानों की लगभग 70 बीघा फसल नष्ट हो गई है, जिसकी सूचना पाकर रानी की सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या को जाना और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारी से अवगत कराया। इस दौरान इसरार अहमद ने कहा कि अगर आप लोगों की समस्याओं का समाधान प्रशासन नहीं करा पाता है तो हम अपनी तरफ से आप लोगों की मदद करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हमारी सारी फसल पानी में डूबने के कारण नष्ट हो गई है। हमारे गांव में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हमारे बच्चे भूखे रहने के लिए मजबूर हैं। खेत में यानी एक जिनिस ना बचल है, कुल बोड़ी गल। हाँ, ऐसा ना कि मतलब रहर भी, तिल्ली भी, उर्दी भी, धान भी, यानी टोटल यानी एक चीज ना बचल है। छोटे छोटे बच्चे हम का आदमी भी नहीं है, किसी को बता रही की मतलब सोचना मतलब सब कोई अथुआ कहला तो मतलब का की ओकर कोनो सुनवाई अभी नहीं है बाढ़ बुरा का। अच्छा, कोई भी सुनवाई नहीं है? भ्रमण किया हूँ जी और लोगों से वार्तालाप किया हूँ तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं आया। मैंने लेखपाल से भी बात किया, तहसीलदार से भी बात किया और इन लोगों से भी बात किया तो तहसीलदार को भी अभी पता नहीं था और लेखपाल को भी पता नहीं था। तो मैं इन लोगों की आवाज़ बन के अवगत करा दिया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है उस पर अमल होगा, इन लोगों की पूरी मदद होगी। और इस गांव के 50-60 बीघा जो फसल बर्बाद हुई है, मैं अभी जाके SDM साहब से भी कहूँगा, इन लोगों की पूरी लड़ाई लड़ूंगा, इनका हक दिलाने का काम करूंगा। जब तक इनका हक नहीं मिले जाएगा तब मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये हकदार हैं अपने का। देखिए, प्रकृति का कोई जो है आफत जब पड़ती है तो इंसान ही मदद करता है और सरकार बहुत दावा करती है और सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रही है, चाहे सरकारी अमले की कमी हो चाहे हमारे आपकी बीच की कमी हो। तो अवगत कराना हमारा काम था, अवगत करा दिए हैं। इन लोगों ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और इस आवाज़ को हम आखिरी दम तक ले जाके SDM तक पहुंचाएंगे, DM तक पहुंचाएंगे। जब तक इनको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक इसकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीस जानकारी हमको नहीं, इस ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ प्राइमरी विद्यालय बने। प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ है मगर वो पानी में डूबा हुआ है। अच्छा, ठीक है, उसका भी निराकरण होगा। लेकिन कभी कभी जो बरसात से सभी लोग फेल हो जाते हैं तो उसको जो है कम से कम मिट्टी पटवा के ऊंचाई पे करना चाहिए था। प्रधान को आना चाहिए था, यहाँ प्रधान नहीं आए, उनकी गलती है। बहरहाल हमारा प्रयास रहेगा कि आखिरी दम तक हम आपकी लड़ाई लड़के आपका पूरा करेंगे, आपका पूरा करेंगे, इससे निश्चिंत रहिएगा। और जब नहीं सरकार कर पाएगी तो मैं हूँ, मैं अपने तरफ से जो मुझसे सपरेगा मैं आपका करूँगा।